हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए। और सबसे पहले कॉलेज से आने से पहले हम लोग यहाँ पे गेट 3 के सामने एक दुकान है, मौसा का दुकान, वो विजिट करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 4 साल में जितना अटेंडेंस क्लास में नहीं मारे उतना ज़्यादा अटेंडेंस वहाँ मारे हैं। तो वो वहाँ पर अटेंडेंस मार के अब जा रहे हैं प्रोविजनल लेने। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे घुसते थे तो मतलब स्टूडेंट वाला वाइब आता था, बट अभी पास आउट हो गए हैं तो अलग फीलिंग आ रहा था। कोई दोस्त भी नहीं था, वरना यहाँ पे घुसते साथ कोई ना कोई दोस्त मिलता था, फिर वापस जहाँ से आए थे गेट 3 मौसा वहीं वापस जाना पड़ता था। मस्त माहौल था उस समय का। इस बार थोड़ा फीलिंग भी अलग था, वरना पहले जब यहाँ से घुसते थे तो या तो क्रिएटिव क्लब या ग्रीन क्लब या क्लास या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम रहता था उस समय का। बट अब काम इंपॉर्टेंट ही था, बट ये कि भाई पास आउट हो चुके हैं तो अलग फीलिंग आ रहा था। ठीक है, बट वो वाला सब जो दिन सब था वो बेस्ट था भाई। मतलब लिटरली जीवन का एक तो होता ना गोल्डन मोमेंट था वो सब। घुसते साथ मेरे को ये मंगलयान दिखा, जो कि इस बार जैगन में बनाए थे हम लोग, अभी तक हटा भी नहीं है। ये है मेरा कॉलेज। ये कॉलेज मेरे को बहुत कुछ दिया भी है और मेरे से बहुत कुछ लिया भी है। ठीक है, जो भी है, लेकिन बेस्ट मोमेंट ऑफ दी लाइफ हम यहीं जिए हैं, मस्त है। एग्जामिनेशन सेक्शन पहुंच गए हैं। एग्जामिनेशन सेक्शन में अभी सर को बोले प्रोविजनल के लिए, यहाँ पे अभी कुछ कुछ क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा, बिकॉज क्लियरेंस लेंगे तो अभी लंग बाजा चलेगा कि ड्यूज क्लियर है और उसके बाद फिर प्रोविजनल मिलेगा। तो उसके बाद फिर अभी क्लियरेंस लेने के लिए एक बार अकाउंट सेक्शन जाना है और एक बार लाइब्रेरी जाना है। तो टाइम चेंज हो गया, सेमेस्टर टू सेमेस्टर एडमिट कार्ड लेते लेते प्रोविजनल लेने का टाइम आ गया भाई। मतलब बहुत जल्दी टाइम पार हो गया, लिटरली बहुत ज़्यादा जल्दी। सर प्रोविजनल के लिए क्या करना पड़ेगा? सर प्रोविजनल के लिए क्या करना पड़ेगा? सर आईडी कार्ड मांगे, बट मेरे पास था नहीं, पुराना डुप्लीकेट आईडी कार्ड दिखा दिए, तो फिर सर मेरे को ये पकड़ा दिया क्लियरेंस सर्टिफिकेट। हाँ सर, अभी हम एक तो स्लिप मिला है क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, वो लेके निकल रहे हैं अकाउंट सेक्शन और लाइब्रेरी जाना है। उसके बाद वहाँ से निकल के फिर यहाँ वापस आना है, उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, देखते हैं। अकाउंट सेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग को स्लिप सबमिट करना है और उसके बाद देखते हैं क्या है प्रोसेस। अभी एडमिशन भी चल रहा है तो यहाँ पे बहुत भीड़ है। हम आज तक अपना कोई भी लैब रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी हम खुद से नहीं लिखे थे, मेरा सारा लैब रिकॉर्ड ये लिखी है, और लास्ट में बस नाम नंबर लिखना है, वो भी हम नहीं लिख रहे, वो यही लिख रही है। तो पहले हम अकाउंट सेक्शन गए, वहाँ पे मेरे को भेज दिया, बोला लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे पहले क्लियरेंस लेके आओ, तो अभी लाइब्रेरी जा रहे हैं। ये मेरा लाइब्रेरी है और हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट ईयर में 4 बुक इशू किए थे बिकॉज हमको लगा कंपलसरी है, बट उसके बाद जब AC लग गया था लाइब्रेरी में उसमें उसके बाद ही गए थे, और उसके बाद आज आ रहे हैं क्लियरेंस लेने। लाइब्रेरी में है और यहाँ पे सन्नाटा है, और सर अभी क्लियरेंस चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हम अपना वापस किए थे बुक की नहीं, हमको याद नहीं था, बट हाँ हम कर दिए थे, ये हमको पता चल गया क्योंकि क्लियर हो गया मेरा काम खत्म, पैसा हजम। तो फाइनली गाइस क्लियरेंस मिल गया है, सर का सिग्नेचर हो गया, अब जा रहे हैं अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में अब शायद से दे दे और उसके बाद फिर जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेक्शन। सिग्नेचर करा के आ गए वापस, यहाँ पे अभी एडमिशन चल रहा है फर्स्ट ईयर्स का, तो बहुत मतलब भीड़ है। यही है पेमेंट करते हैं, जहाँ पे हम 4 साल यहीं पे किए। गाइस दोनों तरफ का क्लियरेंस मिल चुका है, अकाउंट का भी और लाइब्रेरी का भी, अब चल रहे वापस एग्जामिनेशन सेक्शन। ये CD से हम लोग का ईयर का 2019 से 2023 का ईयर का बहुत सारा याद है, और ये CD के चलते हम लोग का बहुत कुछ चेंज हुआ था लाइफ में। मेरा लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया था ये CD के चलते, यार बहुत गलत सीन था वो दिन। एग्जामिनेशन पहुँच गए सर, यहाँ सर को आईडी कार्ड दिया और वो डुप्लीकेट था, सर पकड़ लिए। 2001 राजेश कुमार झा। राजेश कुमार झा, जमशेदपुर से।
फाइनली गाइज आप सिग्नेचर करना है दो जगह, और इसके बाद मेरे को मेरा प्रोविजनल और मार्कशीट मिल जाएगा। मार्कशीट भी ओरिजिनल मिल जाएगा मेरे को, और प्रोविजनल तो मिल ही जाएगा, तो टेंशन ख़त्म, मेरा काम भी हो गया, भुवनेश्वर आना सक्सेसफुल मेरा, और अब फटाफट निकलेंगे कॉलेज से भी। कॉलेज में बहुत सारा दोस्तों से मिलना भी है, जूनियर लोग से, तो उन लोग से भी जाएंगे, मिलेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। लेकिन मेरा डुप्लीकेट आईडी कार्ड पकड़ लिया सर, तो कुछ बोले नहीं, बस बोले कि ओरिजिनल है कहाँ, बोले सर याद नहीं है, तो सर बोले कोई दिक्कत नहीं है, और वेरीफाई कर लिया मेरा ईआरपी और मेरे को प्रोविजनल दे दिया। हमको लगा अगर इसके चलते होल्ड गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार, क्योंकि हमको याद भी नहीं है कि मेरा आईडी कार्ड है कहाँ, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला आईडी कार्ड मेरा मतलब लास्ट सेमेस्टर में मेरा मिसप्लेस हो गया था मेरे से, और उसके बाद हमको आइडिया ही नहीं है कि वो है कहाँ, किसी का रूम में छूट गया, क्या हुआ था याद नहीं है। और यहाँ पे सिग्नेचर कराने का मार्कशीट के लिए भी, चार मार्कशीट है, चारों के लिए सिग्नेचर करवा दिए हैं सर, कि वो भी हम ले चुके हैं। और उस ये होने के बाद मार्कशीट और प्रोविजनल हो जाएगा मेरा, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे और फिर स्काईलैब जाएंगे, उसके बाद स्काईलैब में देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि बहुत दिन हो गया स्काईलैब भी नहीं गए। स्काईलैब भी हम लोग का एक जगह था, जो क्लास के बाद जाओ चुपचाप वहाँ पे बैठ के मस्त खट्टी करते थे हम लोग। खट्टी मतलब उड़िया में मस्ती करना होता, और यही था मेरा डुप्लीकेट आईडी कार्ड। सर निकाल दिए हैं प्रोविजनल और मार्कशीट, अब उसको एक बार वेरीफाई कर ले रहे हैं सर, उसके बाद वो मेरे को मिल जाएगा फाइनली। ओफ, चार साल में यही तो मिला है बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए, वरना यार डिग्री कैसे निकला है वो भगवान ही जानते हैं, बस मिल गया बहुत बड़ा बात है। मेरी मम्मी को तो विश्वास ही नहीं था जब एडमिशन कराई थी तो कि मेरा डिग्री निकलेगा। उस समय ईयर बैक बहुत ज़्यादा जोक का लगा था, तो डीन सर स्टेज पे बोल रहे थे, मेरी मम्मी मेरे को बार बार पूछ रही थी, बाबू तुम पास हो जाएगा नरे, बाबू तुम पास हो जाएगा नरे। बट फाइनली मम्मी हम डिग्री ले लिए चार साल में बिना ईयर बैक के लिए, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। फाइनली इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्प्लीटेड। अभी जाना है प्रिंसिपल सर के पास और डीन सर के पास सिग्नेचर के लिए, बट वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जाएंगे क्योंकि पुराना तालुकात बहुत अच्छा है हमारा, तो वो वाला पार्ट स्किप रहेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। काफ़ी लेट हो रहा था वहाँ पे, तो हमको भूख लग गया, अब हम आ गए हैं डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे, और अपना प्रोविजनल का जो काम है ज़्यादा देर का बचा नहीं है, वो प्रोविजनल उठा लेंगे, फिर मार्कशीट उठाना, और फिर काम ख़त्म, ऐसा हजम। चार साल डिग्री में जो हम कंप्लीट किए हैं उसमें से चार पेज में नहीं, पांच पेज मिलेगा, चार तो मार्कशीट और एक तो आपका प्रोविजनल, और जो ओरिजिनल डिग्री है वो आएगा आपका दो साल बाद, तो उसका पूछे तो वो बोले कि दो साल बाद आएगा, तो वो दो साल बाद दो, तो दो साल बाद में आकर कलेक्ट करेंगे, और अभी ये दोनों ले लिए हैं और निकलेंगे। सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो बहुत कस के भूख लग रहा था, तो बेस्ट ऑप्शन हमको डोमिनोज लगा, तो डोमिनोज आ गए हैं, यहाँ पे खा के फटाफट कॉलेज निकलेंगे। फिर फाइनली गाइस मिल गया मार्कशीट चारों साल का, हर साल का दो सेमेस्टर, चार मार्कशीट मिल गया, और ये मेरे फाइनली अब यहाँ से मेरा सिलिकन का जर्नी ख़त्म होता है। बाय बाय भुवनेश्वर, मेरा बेस्ट टाइम कॉलेज का ये लोगों के साथ बिताया है भाई। ये लोग जब हम फोर्थ ईयर में थे, ये लोग सेकंड ईयर में था, ऋषभ, पाजी, स्वरूप और पीयूष, और भी लोग था बट अभी आया। ये मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट है ये लोग की तरफ से, थैंक यू भाई लोग।